बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9B है। फैक्टराइज करना है हमने क्वेश्चन, इसका 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें। तो क्वेश्चन 9 इसका स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 1 to 8 क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी उसका लिंक, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स आपको बेसिकली नजर आ रही हैं, जो मेन टर्म है, एक हमारे पास ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, ठीक है। टू टर्म्स आपको बेसिकली नजर आ रही हैं और फर्दर जो है हमारे पास एक टर्म के अंदर फिर से दो टर्म्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास 8 क्वेश्चन था उसमें हमें कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि जिससे हम जो है वो फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएं, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म नज़र आ रही है जिससे हम एक फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि हमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेके जाना है। हमारे पास अगर वैल्यू हो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यूज हों उनका स्क्वायर हो और वो माइनस हो रही हों, तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, पहली और दूसरी। लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप दो ब्रैकेट अप्लाई करें, फर्स्ट लिखें दोनों साइड पे दोनों ब्रैकेट में, सेकंड लिखें दोनों ब्रैकेट में और एक दफ़ा कर दें प्लस और एक दफ़ा कर दें माइनस, यानी कि एक दफ़ा आंसर आना चाहिए प्लस का और एक दफ़ा आना चाहिए माइनस का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पी माइनस क्यू उसका स्क्वायर है, तो हम ना उसके कोफिशियंट को देख लेते हैं 9, क्या इसका स्क्वायर बन रहा है। सेकेंड हम देखते हैं सेकेंड का भी स्क्वायर मौजूद है, यानी कि आप इसको ना एज अ होल वेरिएबल लें, एक वेरिएबल कंसीडर करें और उसका समझें कि ये क्या है, स्क्वायर है। अब इसके कोफिशियंट को भी हम देख लेते हैं, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, यस, यानी कि 9 का भी आ जाता है, 25 का भी आ जाता है ईजिली। तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपली इनके कोफिशियंट निकालेंगे और इनको क्या करेंगे जी, इनको पावर की फॉर्म में कर देंगे। जैसे कि 9 है, हमें पता है 9 क्या है, 3 3 9 होता है, 3 3 9 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड। अब यहाँ पे इनकी पावर्स कुछ पे अब भी आपको नजर नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 1 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। तो मैं यहाँ पे 9 की जगह पुट कर दूंगी 3 raised to power 2 और ये जो हमारे पास वेरिएबल मिनी, अगर फर्दर मिनी टर्म्स है ना एक वेरिएबल में, तो आपने उसको एज इट इज रहने देना और उसकी पावर भी 2 लिख देनी है। माइनस 25 की जगह हमें पता है कि 5 5 25 होता है, सेम वही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने 25 की जगह लिख दिया 5 raised to power 2 और ये जो इसका सेकेंड वेरिएबल था उसका जो स्क्वायर मौजूद था सेम मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हमारे पास फैक्टराइजेशन की फॉर्म नहीं आएगी। तो अब आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही है 3 base, एक नज़र आ रही है पी माइनस क्यू बेस। जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट होती हैं लेकिन पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को बाहर निकाल देते हैं इकट्ठा होल में। 3 base ब्रैकेट जो है वो पी माइनस क्यू, अब आपने ये वेरिएबल जो है वो इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, आप हरगिज़ ये नहीं कर सकते कि 3 p - q, वो गलत हो जाएगा क्योंकि 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये मैंने क्या किया, इनकी पावर को बाहर होल में निकाल दिया। अब दूसरी टर्म के साथ भी सेम यही प्रोसेस करना है कि इन दोनों की बेसिस चेंज है, दोनों की बेसिस चेंज है, पावर सेम है, तो पावर मैं बाहर लिखूंगी, अंदर हमारे पास बचा 5 into q - r, ठीक है। ये काम हमने कर लिया, अब आपने इसको कंसीडर करना है फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। जैसे अब हमारे पास ये फर्स्ट है और उसका स्क्वायर, ये सेकंड है और उसका स्क्वायर, इसी तरीके से हम फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा हम दोनों विदाउट एनी पावर, ये पावर को कंसीडर हमने नहीं करना, जो नीचे वाली बेसिस हैं उन दोनों को लेना है, एक दफ़ा कर देना है प्लस और एक दफ़ा कर देना है माइनस। तो मैं यहाँ पे अब राउंडेड ब्रैकेट हमारे पास यूज़ हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो कि 3 दफ़ा जो है वो 3 times राउंडेड ब्रैकेट आ गई है। तो अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमने फर्स्ट प्लस सेकेंड है, तो फर्स्ट हमारे पास है 3 into p - q फर्स्ट, प्लस सेकेंड हमारे पास क्या है 5 into q - r, ठीक है। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लस सेकेंड, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ था ना फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसी तरीके से मैंने इनको भी देखते हुए फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया। अब यहाँ पे करना है फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट यहाँ पे 3 into p - q
माइनस सेकेंड, दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब सिंपल मैं राउंडेड ब्रैकेट को ओपन करूंगी और साथ साथ इनके कोफिशिएंट को, यानी कि जो हमारे पास बाहर नजर आ रही है वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। जैसे यहाँ पे थ्री है, थ्री पी माइनस क्यू है ना, यानी कि थ्री जो है वो पी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने सीधा सीधा थ्री पी माइनस थ्री क्यू लिख देना है, ठीक है। प्लस फाइव जो है फाइव क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइव क्यू माइनस फाइव आर। यहाँ पे कोई न्यूमेरिक डाटा होता तो हम उसके साथ नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी ब्रैकेट की बात करते हैं। आपने यहाँ पे मर्जिंग नहीं करनी कि इसके जो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो दूसरे के साथ मैच कर दें, नो। आपने जितना यहाँ पे एक टर्म है एक ब्रैकेट में मौजूद है, आपने उसी को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थ्री पी, थ्री जो है वो पी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और क्यू के साथ भी, सेम थ्री पी माइनस थ्री क्यू। अब यहाँ पे बाहर माइनस भी नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लस था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनके साइन को चेंज नहीं किया। लेकिन जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले सारे टर्म्स की साइन चेंज कर देते हैं। तो आपने माइनस फाइव को कंसिडर करना है, तो जब माइनस फाइव क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव क्यू आ जाएगा। जब माइनस फाइव माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और फाइव आर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं की टर्म्स को आपस में आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पी जैसा आपको कोई नजर आ रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट आपने कंसीडर की, पी वेरिएबल जैसा कोई नजर आ रहा है नहीं, तो आपने क्या करना है, थ्री पी को आप एज इट इज जाने दोगे, ठीक है। क्यू जैसा आपने ढूंढना है, यस क्यू जैसा मौजूद है, माइनस प्लस माइनस, फाइव में से थ्री को माइनस करेंगे तो टू आएगा, और सात वेरिएबल एज इट इज आएगा, उसकी पावर को आपने ऐड नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। और साइन हमने किसका ले लेना है, जो बड़ी वैल्यू है फाइव उसके साथ प्लस है तो हमने वो ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और माइनस फाइव आर, आर जैसी वैल्यू इस टर्म में इस ब्रैकेट में मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, थ्री पी, पी की वैल्यू यहाँ पे नहीं है मौजूद तो हम क्या करेंगे, सिंपल थ्री पी एज इट इज रहने देंगे। क्यू, क्यू सेम है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, यानी कि थ्री और फाइव को कर देंगे प्लस, एट और क्यू एज इट इज आ जाएगा। जब हम करते हैं ना माइनस माइनस वैल्यूज को कर देते हैं प्लस और साथ में ना साइन आ जाता है माइनस का, क्यू वैल्यू एज इट इज आ जाएगी प्लस फाइव आर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि आर जैसी कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँ तो ये सिंपल सी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, थ्री पी प्लस टू क्यू माइनस फाइव आर इंटू थ्री पी माइनस एट क्यू प्लस फाइव आर,